लोट लकार में क्या होता है, इसका प्रयोग आज्ञा देने के लिए किया जाता है। जैसे पढ़तू, वह पढ़े, वह दोनों पढ़े, वे सब पढ़े। जैसे कोई किसी को हम आज्ञा दे रहे हैं तो आज्ञा देने के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है और विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है चाहिए अर्थ में। जैसे पठे, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, सह लिखे उसे लिखना चाहिए, अहम लिखे मुझे लिखना चाहिए। इसी प्रकार यदि हम कोई विश करते हैं, जैसे कोई हमारी इच्छा है, तो इच्छा के लिए विधि लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। मुझे आशा है कि जो मैंने आज आपको समझाया, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि संस्कृत भाषा में तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि संस्कृत भाषा में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और इसी प्रकार संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं, लेकिन हम 5 लकारों का ही प्रयोग करते हैं। सबसे पहले लट लकार, जिसका प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। उसके बाद लंग लकार, जिसका प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। उसके बाद ललित लकार, जिसका प्रयोग भविष्य काल के लिए किया जाता है। और उसके बाद लोट लकार, जिसका प्रयोग आज्ञा देने के लिए किया जाता है। और लास्ट में होता है विधि लिंग लकार, जिसका प्रयोग हम इच्छा के लिए करते हैं, चाहिए अर्थ में करते हैं। हमारी कोई अभिलाषा है, हमारी कोई चाहत है, यदि हम उसको बता रहे हैं वो तो वैसे है, क्योंकि यदि हिंदी से संस्कृत बनाते हैं तो हम वहां पे विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जो आपको वीडियो बना करके भेजी जाती है, आप उनको अच्छे से देखा करो, एक बार में समझ में तो दूसरी बार देखो, उसके बाद जरूर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप अपने अध्यापकों से संपर्क करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद।